Now coming to the next question, this is question number 29. So the question says two different dice are thrown together. Find the probability that the numbers obtained have first even sum, second even product. So हमसे question में क्या पूछा है, अगर आप दो dice को simultaneously फेंकते हो तो obviously first die में कुछ number आएगा और second die में भी कुछ number आएगा. So फर्स्ट पार्ट है उन दोनों नंबर, दोनों डाइस में जो नंबर आया है उसको जब आप प्लस करोगे तो इवन सम आए, तो ये हमें बताना है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इवन सम में कितने आउटकम्स पॉसिबल है. सो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इवन सम की, सो अगर मैं एक ऑड नंबर को जैसे वन है एक ऑड नंबर से ही प्लस करूं, सो वन प्लस थ्री क्या होता है फोर. सो आपने देखा अगर हम दो और नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो एक इवन नंबर आ रहा है. सिमिलरली थ्री और फाइव को अगर मैं ऐड करूं तो आएगा एट. सो अगेन दो और नंबर का सम इवन है. इसी तरह से अभी हमने देखा कि अगर दोनों नंबर्स और हैं तो आपके पास सम इवन आएगा. सिमिलरली अगर मैं एक इवन नंबर को एक इवन नंबर से प्लस करती हूं तो सम आएगा इवन. अगेन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो यू हैव सीन कि या तो ऑड प्लस ऑड हो या फिर इवन प्लस इवन. अब ऑड प्लस ऑड मींस कि दोनों डाइस पे ऑड नंबर है या फिर दोनों डाइस पे इवन नंबर है. सो यहां पे हम आउटकम्स कैसे निकालेंगे, फर्स्ट हमें देखना है इवन सम. अब इवन सम के लिए हमने देखा कि या तो दोनों नंबर ऑड हो, सो बोथ ऑड. अब दोनों ऑड क्या होंगे, अब एक डाइस के अंदर ऑड नंबर्स क्या क्या है, वन है थ्री है फाइव है, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं कि दोनों जो नंबर्स हैं वो ऑड हो तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबल. एक हो सकता है वन वन, दोनों ऑड है ये एक पॉसिबिलिटी है. सेकेंड हो सकता है वन के साथ थ्री आ जाए या वन के साथ फाइव आ जाए. तो ये तीनों दोनों ऑड ऑड है, मींस दोनों डाइस पे ऑड है. ये जो आउटकम्स मैं लिख रही हूं ये दोनों ऑड है. सिमिलरली थ्री के साथ वन आ जाए, मींस फर्स्ट डाइस पे थ्री आए सेकेंड डाइस पे वन आ जाए. सिमिलरली थ्री थ्री देन थ्री के साथ फाइव आ जाए. इसी तरह से फाइव के साथ वन, फाइव के साथ थ्री या फाइव के साथ फाइव आ जाए, राइट. सो ये सारी आउटकम्स हैं जिसमें दोनों डाइस पे ऑड आएंगे. तो ये कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. सो बेसिकली यहाँ पे नाइन आउटकम्स आई है किसकी, अगर दोनों ऑड है. सो नाउ लेट्स फाइंड बोथ इवन, बोथ इवन है तो क्या क्या इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, टू फोर सिक्स, राइट. सो आउटकम्स हो सकती है टू के साथ टू आ जाए, टू के साथ फोर आ जाए, टू के साथ सिक्स आ जाए, ठीक है. ये दोनों इवन है, ये दोनों भी इवन है, ये दोनों भी इवन है. नेक्स्ट इसी तरह से फोर के साथ टू आ जाए, फोर के साथ फोर आ जाए या फोर के साथ सिक्स आ जाए, या फिर सिक्स के साथ टू आ जाए, सिक्स के साथ फोर आ जाए या सिक्स के साथ सिक्स आ जाए. तो ये सारी हमने देख ली जिसमें दोनों में इवन नंबर है. तो फिर से इसको अगर हम काउंट करें तो ये हो जाएंगे नाइन. अब यहाँ पे टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या आए हैं, ये वो नंबर्स है जिसमें दोनों ऑड है, ये वो नंबर्स है जिसमें दोनों इवन. अब इसमें से किसी भी रैंडम का आप उठा के देख लो, जैसे फाइव और थ्री है तो फाइव सिक्स सेवन एट क्या आया सम इवन. इसी तरह से फोर और सिक्स है सम टेन है जो कि इवन है. सिक्स प्लस फोर या फिर सिक्स प्लस टू ले लो तो एट आएगा, मतलब कि इवन सम. तो यहां पे ये सारे हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें सम इवन आएगा. सो इसको रफ करते हैं और यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सम. तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, करेक्ट. सो यहां पे पुट कर देते हैं,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 9 और 9 दोनों, क्योंकि इसमें भी सम इवन है और इनमें भी सम इवन है, तो 9 प्लस 9 क्या होता है? 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमें पता है अगर दो डाइस को फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 36, सो ये हो जाएगा अपॉन में 36। ओके, सो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 9, 1, 8 एंड 1, 2, तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 2। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो की है इवन प्रोडक्ट। अभी हमने बात करी इवन सम की, अब हम बात कर रहे हैं इवन प्रोडक्ट की। सो अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज मैं इसको रब करने वाली हूँ। सो नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, पहले समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। सो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना पार्ट यूज कर रही हूं। अभी हमने बात करनी है इवन प्रोडक्ट की, तो इवन प्रोडक्ट कब कब आ सकता है? अगर दो इवन नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं, जैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दोनों इवन है, 4 × 2 = 8, आउटकम इवन है। मतलब एक तो वही हो गया कि दोनों इवन हो, ठीक है, बोथ अगर इवन है, दोनों डाइस पे इवन नंबर है तो आउटकम मतलब उनका प्रोडक्ट इवन होगा। सिमिलरली अगर एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, तो 3 × 4 = 12, राइट। सो मतलब कि एक और हो गया कि अगर फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर आ जाए और सेकेंड डाइस पे इवन नंबर आ जाए, तो इनका प्रोडक्ट भी इवन होगा। तो एक तो आ गया कि दोनों इवन हो, एक आ गया फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर हो, सेकेंड डाइस पे इवन नंबर, योर प्रोडक्ट में इसका अगर मैं उल्टा कर दू, 4 × 3 कर दू तो भी 12 होगा। मतलब कि अगर फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर आ जाए और सेकेंड डाइस पे ऑड नंबर आ जाए तब भी उनका प्रोडक्ट इवन होगा। तो जैसे यहाँ पे आपके पास दो चीजें थी कि या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, यहाँ पे आपके पास 3 चीजें हो जाएंगी। पहली कि दोनों इवन हो, ओके। सेकेंड चीज है कि फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर हो, सेकेंड डाइस पे इवन नंबर हो। इसी तरह से फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर हो, सेकेंड डाइस पे ऑड नंबर हो, तो ये हम अब इनकी फाइंड करेंगे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले जो ये है आपका बोथ इवन, ये हमने अभी लास्ट पार्ट में फाइंड किया था, ये रहा तो इसको हम रब नहीं करते। ओके, सो नाउ सेकेंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं जिसमें है इवन प्रोडक्ट। तो अब इस इवन प्रोडक्ट में हम देखेंगे जो भी हमने डिस्कस करी है, बोथ इवन हमारे पास है। अब फर्स्ट जो आपके पास डाइज है उस पे एक ऑड नंबर और जो सेकेंड डाइज है उस पर एक इवन नंबर, तो इसके जो आउटकम्स होंगे वो देखते हैं किस तरह से बनेंगे। फर्स्ट डाइज ऑड मतलब ये हो सकता है, ठीक है, और सेकेंड इवन है, तो मतलब 1 के साथ 2 आ जाए, 1 के साथ 4 आ जाए या 1 के साथ 6 आ जाए, तो ये क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑड और सेकेंड इवन। सिमिलरली 3 ऑड है, 3 के साथ 2 आ जाए, 3 के साथ 4 आ जाए या 3 के साथ 6 आ जाए, तो यहां से एक नंबर ले रही हूं और उसको मैं इन तीनों के साथ लगा रही हूं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑड सेकेंड इवन। सिमिलरली 5 एक ऑड है, इसके साथ 2 आ जाए, इसके साथ 4 आ जाए या इसके साथ 6 आ जाए, तो यहां पे हमारे पास कितने हो गए टोटल आउटकम्स, 9। और ये वाले 9 तो पहले से ही है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट डाइस पे, अब फर्स्ट डाइस पे आपका इवन नंबर आए और सेकेंड डाइस पे आपका ऑड नंबर आए, तो वो देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट इवन मतलब 2 के साथ ऑड आ जाए तो 1 आ जाए, सिमिलरली 2 के साथ 3 आ जाए या 2 के साथ 5 आ जाए, तो फर्स्ट इवन है इसमें और सेकेंड ऑड है। सिमिलरली
नेक्स्ट इवन पे चलते हैं, फोर एक इवन नंबर है, इसके साथ वन आ जाए, इसके साथ थ्री आ जाए या इसके साथ फाइव आ जाए. तो फर्स्ट इवन है, सेकेंड ऑड. सिमिलरली सिक्स इज एन इवन नंबर, सिक्स के साथ वन आ जाए इवन ऑड, सिक्स के साथ थ्री आ जाए अगेन इवन ऑड, सिक्स के साथ फाइव आ जाए अगेन इवन ऑड. ओके, सो ये सारी पॉसिबिलिटी है जिसमें फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर है और सेकेंड डाइस पे ऑड नंबर है. सो देयरफॉर ये भी अगर हम काउंट करेंगे तो ये आ गए नाइन. तो मतलब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन. अब इसमें से जैसे हमने उसमें देखा था, इसमें भी देख लेते हैं, इसमें से आप कोई भी पिक कर लो उसका प्रोडक्ट इवन ही होगा. जैसे हम ले लेते हैं थ्री और सिक्स, तो सिक्स इंटू थ्री एटीन विच इज एन इवन नंबर. सिमिलरली फाइव इंटू टू इज टेन जो कि इवन होता है. फोर इंटू थ्री ट्वेल्व अगेन इवन. सिमिलरली फोर इंटू फोर सिक्सटीन अगेन इवन. सो यहाँ पे जितने भी मैंने आउटकम्स लिखे हैं इनका प्रोडक्ट इवन ही है. ओके, सो अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मुले पे. सो नाउ प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं इवन प्रोडक्ट. सो फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, अभी हमने करा था ये नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन. सो नाइन प्लस नाइन एटीन प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन. यू गेट 27 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36. इसको कैंसिल कर देते हैं, थ्री के टेबल से कैंसिल हो जाएगा. ये आ गया वन टू, ये आ गया नाइन अगेन थ्री के टेबल से, ये आ जाएगा थ्री और ये आ जाएगा फोर. सो हमारे पास आ गया थ्री अपॉन फोर. सो दिस मीन्स थ्री अपॉन फोर आ गई प्रोबेबिलिटी कि दोनों डाइस का जो प्रोडक्ट होगा वो इवन होगा. ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 29. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.